Hello friends, in this video we will find inverse of a 3 cross 3 matrix by elementary row operations. Let A is equal to 2 0 1 minus 1 5 1 0 0 1 3, then A is equal to IA. We will convert 1 to the form I is equal to A inverse into A by using elementary row operations. That is, हमें ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए इनवर्स बनाना है. तो हम स्टार्ट करते हैं. नाउ ए इज़ इक्वल टू आई ए. फर्स्ट आई हैव रिटन ए इज़ इक्वल टू आई ए. अब क्योंकि हमने इस लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट रो में यहाँ पर वन चाहिए हमें. तो इसके लिए हमें फर्स्ट रो को कन्वर्ट करना है और फर्स्ट रो को टू से डिवाइड करना है. क्योंकि हमें फर्स्ट रो को चेंज करना है, इसलिए हम बाकी की दोनों रोज़ को पहले ही लिख लेते हैं ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो. तो जब इसको आर वन को, जैसे इस टू को वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वन आ जाएगा. जीरो इंटू सेकेंड एंट्री है ज़ीरो इंटू वन बाई टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो और थर्ड एंट्री माइनस वन क्रॉस वन बाई टू इज़ इक्वल टू माइनस वन बाई टू. इसी तरह से ये सेम ऑपरेशन हमने राइट हैंड साइड मैट्रिक्स में लगाने हैं. तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास है वन. वन को हाफ से डिवाइड करेंगे तो हाफ ही आ जाएगा. जीरो इंटू समथिंग जीरो एंड जीरो. अब हमने इस सेकंड रो में फाइव को वन बना जीरो बनाना है. तो इसके लिए हमें सेकंड रो को चेंज करना पड़ेगा. आर टू को चेंज करना है माइनस. यदि हम इसको फर्स्ट रो को वन को फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट जीरो हेयर. आर टू माइनस फाइव आर वन, ये ऑपरेशन हम लगाएंगे अब इसमें. तो क्योंकि हमने आर टू को चेंज करना है तो हम फर्स्ट टू रोज को एज इट इज़ लिख लेते हैं. जीरो जीरो माइनस वन बाई टू एंड वन बाई टू जीरो जीरो. और इसकी थर्ड रो है जीरो वन थ्री. राइट हैंड साइड की थर्ड रो है जीरो जीरो वन. अब हम सेकंड रो को चेंज करेंगे. तो आर टू का फर्स्ट एलिमेंट है फाइव माइनस फाइव इंटू वन इज इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पर वन था, ये आ गया ज़ीरो. सेकेंड एलिमेंट इज़ वन माइनस फाइव इंटू आर वन इज़ ज़ीरो इज इक्वल टू वन माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू वन. थर्ड एलिमेंट है हमारे पास ज़ीरो माइनस फाइव इंटू फर्स्ट रो का एलिमेंट है माइनस वन बाई टू. तो ये बन गया हमारे पास फाइव बाई टू. इसी तरह से सेम ऑपरेशन हमने राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स पर लगानी है. तो इसमें हमारे पास आर टू का एलिमेंट है ज़ीरो, दिस ज़ीरो माइनस फाइव इंटू वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू. इसी तरह से वन माइनस ज़ीरो, ये वन ही आ जाएगा हमारे पास और ज़ीरो वाला तो ज़ीरो ही आ जाएगा. इस तरह से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो चुका है. अब हमने थर्ड रो की इस एंट्री को ज़ीरो करना है. तो इसके लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे आर थ्री माइनस आर टू. अब क्योंकि हमने आर थ्री चेंज करना है तो हम जो फर्स्ट टू रोज़ को पहले ही लिख लेते हैं ज़ीरो वन फाइव बाई टू. इसी तरह से इसमें वन बाई टू ज़ीरो ज़ीरो. और यहाँ पर हमने ए को साथ साथ में लगाते रहना है. माइनस फाइव बाई टू वन ज़ीरो. अब थर्ड रो को चेंज करेंगे. आर थ्री माइनस आर टू करेंगे तो आर थ्री का एलिमेंट ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो. वन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड थ्री माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू. तो ये आ गया हमारे पास वन बाई टू. इसी तरह से
राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स पर ऑपरेट करना है हमने। इसका आर थ्री का एलिमेंट है 0, 0 माइनस ऑफ माइनस 5/2 इज 5/2, 0 माइनस 1 इज माइनस 1 एंड 1 माइनस 0 इज 1। तो इस तरह से हमारे पास सेकेंड कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इस आर थ्री की इस एंट्री को, लास्ट वाली एंट्री को 1 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर थ्री को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आर थ्री को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हमने आर थ्री को चेंज करना है, तो पहले फर्स्ट 2 रोज को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 0 1, 5/2, हाफ 0 0, माइनस 5/2, 1 0। तो ये आएगा आपके पास आर थ्री, 0 माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1। इसमें आएगा आर थ्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ये आएगा माइनस 2 और 2 × 1 = 2। अब हमने थर्ड रो की सॉरी तो अब हमने फर्स्ट रो की इस एंट्री को 0 करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर वन को चेंज करना है, तो आर वन में यदि हम हाफ आर थ्री को यदि हम 1/2 से मल्टीप्लाई करके आर वन में ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाता है। तो क्योंकि हमने आर वन को चेंज करना है इसलिए हम इन दोनों रोज को पहले ही लिख लेते हैं, माइनस 5/2, 1 0, 5 − 2 = 2। तो आर वन प्लस हाफ आर थ्री करेंगे तो ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है। इसी तरह से 0 प्लस 0 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास माइनस हाफ प्लस 1 × 1/2 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। इसी तरह से सेम ऑपरेशन हमने लगाने हैं राइट हैंड वाली मैट्रिक्स पर। तो इसका एलिमेंट आर वन का फर्स्ट एलिमेंट है हाफ, और ये थर्ड है 5, प्लस 1/2 × 5 दैट इज 1/2 प्लस 5/2 6/2 दैट इज 3, तो ये 3 आ गया। इसी तरह से इसका एलिमेंट है 0, 0 प्लस थर्ड रो का एलिमेंट है माइनस 2, हाफ इंटू माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, और थर्ड एलिमेंट है 0 प्लस हाफ इंटू 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इस वाले एलिमेंट को 0 करना है, तो क्योंकि हमने आर टू को चेंज करना है तो आर टू को यदि हम माइनस 5/2 आर थ्री करते हैं, आर थ्री को यदि 5/2 से मल्टीप्लाई करके आर टू में से माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स पर लगाना है, थर्ड रो एज इट इज़ सेकंड रो चेंज करनी है। तो इसका फर्स्ट आर टू का एलिमेंट है माइनस 5/2, माइनस 5/2 × 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 5/2 इज़ कॉमन, 1 + 5, माइनस 5/2 × 6 दैट इज़ माइनस 15 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से इसका एलिमेंट है हमारे पास आर टू का 1 माइनस 5/2, और आर थ्री का एलिमेंट है माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 5 = 6 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट 0 माइनस 5/2, और आर थ्री का एलिमेंट भी 2 है तो ये आएगा माइनस 5।
तो इस तरह से हमारे पास आ गया आई ये आ गया हमारे पास I इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। आप इन दोनों मैट्रिसेस को एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा, इससे हमारा आंसर वेरीफाई हो जाता है। थैंक यू।